जैसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लॉर्ड माउंटबेटन के ऊपर गुस्सा किया था, उसी प्रकार से जब वहां गुस्सा किया तो मिस्टर चर्चिल ने बाबा साहब अंबेडकर को सवाल उठकर के कहा कि मिस्टर अंबेडकर, अब हम गांधी जी का इंतजार करने वाला नहीं है, मिस्टर गांधी इस परिषद में आया नहीं आया, एक फाइनल परिषद में बनाने बैठाने वाला हूँ 1932 में, और 1932 में आपकी जितनी भी मांग है ये सारे मांग क्लियर कर दिए। साथियों 17 अगस्त 1932 को बोलिवियन परिषद बुलाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर भाग लिए, मिस्टर अली जिन्ना भाग लिए, गांधी जी को लेकर नहीं भेजा गया था, बिना बुलाए गांधी जी बकरी लेकर के आनंद फानंद में लंदन चले। जाने के बाद जैसे ही जहाज उतरते हैं मीडिया वाले लोगों ने जाकर के गांधी के मुंह में माइक घुसा था, आप लोग देखते हैं नेता जैसे ही जहाज से उतरे, जैसे ही ट्रेन से उतरे, जैसे ही गाड़ी से उतरे, मीडिया वाले घेर के डायरेक्ट मुंह में घुसाने पर पड़े रहते हैं कि पहले किसका माइक घुसा जाए, मीडिया वाले अपना कभी मचाए रहते हैं। उसी प्रकार से लंदन में मीडिया वाले लोगों ने गांधी के पास जाकर माइक घुसा दिया और कहा मिस्टर गांधी आपको इस लंदन के धरती पर आकर ऐसा लगा, तो गांधी जी कहते हैं इस पितरों की धरती पर आकर के मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है। मतलब गांधी जी लंदन की धरती को क्या मानते थे, बाप की धरती है। ये गांधी जी को मालूम था कि मैं भारत के रहने वाला नहीं हूँ, मैं कहाँ के रहने वाला हूँ, मैं विदेश के रहने वाला हूँ, मेरा डीएनए भारतीय भारत के लोगों के डीएनए से मैच नहीं खाता है। यह गांधी जी को 2001 में जो टाइम्स ऑफ इंडिया में डीएनए की रिपोर्ट आया इससे पहले गांधी जी के मालूम था, इतिहासों के आधार पर। फिर दूसरा